आप ये देख सकते हैं जो बस का कंडक्टर है वो इसे खींच कर यहाँ पर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये युवक जो है बस के अंदर जो है हंगामा करता है। ये देखिए ये कुछ जो शीशा है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। क्या बात हुई है, क्या बात हुई है? बस्ते घेर दिया यार ने, बस्ते घेर दिया ना, बस के अंदर शरारत कर रहे हैं जी। क्यों घेर रहा है, क्या पूछ रहे, क्यों घेर रहा है, क्या बात हुई है, क्या बात हुई है? हमारे पास टायर के ऊपर बैठा था, बैठा ना, नहीं इसे मेरे गोदा मारा, फिर वहाँ से उठ कर ना, फिर बहू बैठी थी उसके सिर पर जाकर बैठ गया, सिर पर बैठा जी, आज छेड़खानी करी ने हमारे साथ, छेड़खानी करी आपने। वो महिला बोल रही है, क्या वो गलत बोल रही है? धक्का मारा ना, इसमें दिखावेगा ना, बस से धक्का मार रखा ना। क्या हुआ था, क्या हुआ था भाई साहब? ये छेड़खानी कर रहे थे, इसको कंडक्टर ने बोला भी आराम से शांति से बैठ जा, ये कंडक्टर के साथ भी मार पिटाई करने लग गया, उसको गाड़ी क्लोज करने लग गया। ये सारे यात्री मेरी बस के, आप किसी को पूछ लो ये बंदा सच्चा है कम सच्चा है। और उसके बाद इस बंदे ने शीशा उठा के मारा, आप रोड पे वो शीशा देख सकते हो जी। हाँ आपको मैं शीशा दिखाता हूँ, मैंने अभी 112 तो देखिए, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बस के अंदर जो है झगड़ा हो जाता है। और ये देखिए शीशा भी यहाँ पर जो है बिखरा हुआ है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं जो बस का कंडक्टर है वो इसे खींच कर यहाँ पर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये युवक जो है बस के अंदर जो है हंगामा करता है। ये देखिए ये कुछ जो शीशा है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है और तमाम जो बस के यात्री हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। ये आप देख सकते हैं शीशा काफी यहाँ पर बिखरा हुआ है। निरंकारी भवन के बिल्कुल सामने की ये तस्वीरें हैं और ये बस का नंबर भी आपको दिखा दें, HR45B9702 इस बस का नंबर है। और किस प्रकार से हुड़दंग कहीं ना कहीं मचाता हुआ ये व्यक्ति दिखाई दिया और महिला ने साफ आरोप लगाए हैं। बैग पकड़ के उसके पैसे भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। किसके पैसे छीनने की कोशिश? भी इसने कनेक्टर के कैश से भी इसने दावा बोला है। अभी देख लो, अभी देख लो, किस तरह धक्का मार रहा है, बस सारा दिखाओ। आप भी रखी थी आपने, शराब भी रखी है, ठीक है। मेडिकल छेड़खानी भी, ये महिला हो क्यों छेड़ा आपने? महिला कह रही है भाई मैं ऊपर चढ़ा बस पे, ये इनको पूछ लो, इन्हें बस से धक्का मारा, बोलता भी नहीं, मारते दिखाएंगे क्या तेरे मारे, ये कनेक्टर तो बोलता भी नहीं है बेचारा, धक्का मारे इस तरह, क्या हुआ था आपके साथ? ये ओटा चढ़ का निकल रहा था जी, अभी भाई ने बोला, फिर मैंने कहा रुक जाओ वेट कर, आंदा मार के फिर गाड़ देने क्या बोले, मैंने कहा कहां से बस, बस कहां से डैमेज हो गया, क्या मारेंगे ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक यात्री को यहां पर जो है पकड़ा हुआ है। बस का जो ड्राइवर है और जो कंडक्टर है वो भी यहां पर जरूर देखे जा रहे हैं और बस भी दिखाने की हम पूरी कोशिश जरूर करेंगे। कर दे थी इसने, अच्छा शीशा तोड़ा बस का, कहां से शीशा नहीं तोड़ा, सीधा उसे उठाकर कनेक्टर या ड्राइवर के सिर पे मार रहा था। उधर शीशा कौन सा था, ये शीशा उधर रखा हुआ था, अच्छा शीशा रखा हुआ था, तो ये सरासर इसकी गलती है, गलती है ये पहले दोस्त के साथ, कंडक्टर की और ड्राइवर की कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, वो तो वैसे जैसे लड़ाई हुई ना, उन्होंने बस रोकी फिर वो आए। तो ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये मुनक जा रही थी करनाल से। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बस है मुनक जा रही थी और ये देखिए डायल 112 की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर मौके पर आ चुकी है। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करिए। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं डायल 112 की जो गाड़ी है वो यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है। कोई बात नहीं, बस से धक्का मारा, ये देखो, नहीं नहीं बस से धक्का क्यों मारा, तेरा शीशा मारा, शीशा मारा, सर शीशा मारना था, ये किस तरह मारा धक्का, शीशा टूटा हुआ अभी पड़ा, आप सर देखा ना, आज छेड़खानी हमारे साथ करी, किस तरह पाट रखा सिर पर, जाकर बैठ गए सर, धक्का मारा दिखाएंगे तेरे, शराब के नशे में, हाँ जी शराब के नशे में, दूसरा नशा क्या हुआ था, टिकट काट रहे थे हमारे साथ, तो आपने चलती बस में धक्का मारा, चलती बस में धक्का मारा इन्होंने, आप बताइए, नहीं जी नहीं, चलती बस में नहीं मारा, चलती बस में नहीं मारा, किसकी है गलती, इसमें से किया है, किसकी किसकी गलती है जी, हमने नहीं किया, अरे भैया आपको आपको कोई भी एक पर्सन ये नहीं बोल रहा कि गलती आपकी नहीं है, सभी यही बोल रहे हैं कि आपकी गलती है। बस के यात्री खड़े, कोई भी बोल देगा कि ये ड्राइवर कनेक्टर की गलती है तो उस चीज के लिए हम जिम्मेदार होंगे, धक्का मार देगा क्या तू, चलती बस पे धक्का किसने मारा, ये सब यात्री हैं, कोई 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 बोले मारा धक्का, उसके दिखाऊंगा वीडियो, वीडियो दिखाऊंगा, इसने रुका नहीं भाई, तू आराम से बैठ जा भाई, बदतमीजी क्यों कर रहा है, अरे इसने नहीं इसके ऐसे करके ऐसे तो बैग सर जा रही है, ऐसे करवान पकड़ लिया।
अरे भैया सुनिए मेरी, क्या काम करते हैं आप, किस कारण से करनाल आए? कहाँ जाना था भाई तुमने, इस बस में क्या कर रहा है? कहीं जाना, यही उतरना था मैंने। और करनाल में, करनाल में किससे काम करते हो? करनाल में किसी का काम करो? सरकारी हॉस्पिटल के बाहर है भाई अपना काम। क्या काम है? चाय का काम है। चाय का काम है। कहाँ से आते हो? अलवा सिटी से। अलवा सिटी। तो आप कहाँ जा रहे थे? अपने घर जा रहा था, इधर बुआ के घर। अपने बुआ के घर कहाँ रहती है बुआ? ले दो जी। अरे चौक कौन सा? आप देख सकते हैं भैया, चौक कौन सा सर? क्या कुछ जानकारी? तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि पुलिस जो है साथ ले जाती हुई नजर आ रही है। तो मौके पे आगे लड़ाई कर रहे हैं, ये सूचना मिली थी। आप दोनों पक्षों की बात सुनेंगे फिर सच्चाई निकलेगी। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ बीबी। ड्यूटी है, हमने गाड़ी लेके आगे जाना है। यात्री खड़े हैं सर, आप किसी को पूछ सकते हो? ठीक है ना, सड़क पे खड़े होकर बात होगी क्या? आप बताओ सड़क पे। फिर हम तो ऑन ड्यूटी है सर, बस को लेकर तो जाना आगे डेस्टिनेशन पे, और ये इतने यात्री हैं, ये कहां परेशान होंगे? कर लो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो यही आप कर लो ना, जो कुछ लिखवाना हमसे लिखवा लो। ऐसा थोड़ी है कोई बैठ रहा है सड़क पे खड़े होकर। आपने फोन कर दिया, 112 पे कॉल कर दी, तो सड़क पे नहीं होगी बात। आप साथ चले जाइए, कोई बात नहीं। आप रिटर्न में कंप्लेंट लिख लो, जो कार्रवाई बनती है रिटर्न में दे दो। 10-20 मिनट रुकना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, आप हाँसी चौक पे लगा लो, हाँसी चौक पे वहाँ खड़े हो, और वहाँ से कोई व्हीकल पकड़ के सदर प्यार चौकी में आ जाओ, और आपके रिटर्न दरखास्त लिख के आपको फारिग कर देंगे। आ जाइए। तो फिलहाल काफी यात्री जो है यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। आप जाइए नहीं साथ में, आप जाइए साथ में। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बस के ड्राइवर और कंडक्टर हैं उन पर जो है हमला होता है। जो जिसने हमला किया है उसे जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है डायल 112 से। आप ये देख सकते हैं परविंदर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। कार्रवाई करवानी आपके साथ मिस पे हुआ है ना, तो चलो हमारे साथ। डर क्यों रहे हो? नहीं डरता, डरना क्या था सर, जब हमारे साथ चलो पहले करे, चलो पुलिस के साथ चलो, उसके बाद में हमारे साथ। ये तो टाइम देना पड़ेगा। एक बात बताओ, यहाँ तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, तो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी हम भी, मेरी बात सुनो। गाड़ी जा रही है, इतने यात्री उसमें, और यात्रियों ने जाना भी है। कोई बात होगी मैं जीएम से बात कर लेता हूँ, आपके साथ मिस पे वो है, आपके साथ कुछ बात हो जीएम को मैं बता दूंगा, अगर बस भी लेट होगी। मिलाऊं जीएम का फोन नंबर? चलो बस ही ले चलते हैं सर। ये ले, ये जीएम साहब का नंबर मिला दिया। हाँ मिलाओ, कोई बात नहीं। देख सकते हैं किस प्रकार से अब जीएम को फोन लगाया जा रहा है। परविंदर सिंह जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, और करनाल जीएम को फोन लगाया जा रहा है। थोड़ी चलेगा, कहाँ चले, ऐसी बात ना करो यार। अरे रिटर्न में यही लिख लो, हमारे साथ लिख के दे देते हैं, 10 आदमियों को साइन करवा देता हूं। जीएम साहब से बात करें, आप कॉलर हो, आपसे बात करेंगे हम। सड़क पे खड़े होकर बात नहीं होगी, तो हम रिटर्न में यही लिख के दे देते हैं। 20-25 मिनट नहीं आपके पास? भैया आप चले, हमारे पास तो टाइम है, जो यात्री है सर वो यात्री सर, दूसरा ड्राइवर आ जाएगा, ये जो सवारी जो भी वो पड़ेगा 20-25 मिनट ले रहे हैं, इनको दरखास्त लेकर उनको फारिग करते हैं। ठीक है, आप बस वहाँ यात्रियों को लेकर वहाँ खड़े हो जाओ, इनको हम लेके जा रहे हैं, और कंप्लेंट आप कंप्लेंट लेके चले जाना। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बस का ड्राइवर और बस का कंडक्टर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये निरंकारी भवन के सामने जो है, बिल्कुल ठीक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमला होता है। और शीशा हमने आपको दिखाया है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से जो शीशा है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हुआ पड़ा है। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल ज़िले की तस्वीरें हैं, और अब उस व्यक्ति को जो है हिरासत में जरूर ले लिया है, और कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो इस वीडियो को देखने वाले वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। उसका जल्दी का मतलब खड़े उसका शीशा मारा, बड़ी मुश्किल से उसने बचाव कराया जी। अपना शीशा कहाँ था? ये यही साइड में पड़ा था, यही कहीं इसके साथ है। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि जो शीशा है वो यहाँ पर जो है बिखरा पड़ा है, शीशा जो है उठाकर मारा है। बताया जा रहा है कि शीशा यहाँ कोने पर था, और किस प्रकार से शीशे को उठाकर जो है इस ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर मारा जाता है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि जो डायल 112 की टीम है वो मौके पर, और एक व्यक्ति को हिरासत में जरूर
ले लिया है। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि जो सवारियां हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आने वाली है, क्योंकि अब जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं वो पुलिस के साथ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं HR45B9702 इस गाड़ी का नंबर है। तो इस वीडियो को देखने वाले वीडियो को शेयर करें, अपडेट आपको देते रहेंगे।